सुबह सुबह बना रही हूँ चाय। चाय की तैयारी चल रही है यहाँ पे। एक्चुअली मैं उठ गई थी बहुत पहले, थोड़ा सा ऊपर गई थी, नीचे फिश लोग को देखी और उसके बाद फिर से रूम में गई थी, क्योंकि सारे कपड़े ऊपर में डाले थे, वो सारे निकाल के रखे एक जगह में। और अभी फ़िलहाल सबके लिए बना रही हूँ चाय। अभी तक घर में कोई उठा नहीं, इक्का दुक्का आदमी कोई नहीं उठा, सिर्फ मैं ही उठी हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी उठने की अभी आदत लग चुकी है इसीलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग भी ठीक ठाक है। हैप्पी संडे गाइस। संडे मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है मेरा किचन में। एक्चुअली अभी सुबह सुबह चाय बना रही हूँ। थोड़ी सी 2 दिन से ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, अभी भी सांस फूल रहा है मेरा, तो मैं इसलिए ना 2 दिन तक कुछ शूट नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। तो आज मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ संडे मॉर्निंग में एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ। फिलहाल तो चाय बना रही हूँ, मैं इनको उठा नहीं है, उसको भी उठाना है, हस्बैंड से भी मिला दूंगी। आज ना संडे बहुत कुछ काम करना है मुझे, जो जो काम पेंडिंग रखे हुए हैं वो सारे सब चीज करना है, देखते हैं। चलिए जैसे जैसे दिन जाता है वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल तो चाय की तलब लग रही है, एक चाय पीते हैं एक प्याली। आप लोगों को ना एक बार बाहर का नजारा भी दिखा दूं। आज बाहर का वेदर बहुत अच्छा है, खिला खिला है, लेकिन सोचे थे कहीं निकलेंगे लेकिन नहीं निकल सकेंगे, उसका रीजन मैं बता रही हूँ। ये मेरे घर के सामने हालत देख रहे हैं, बहुत ही खतरनाक हालत है यहाँ का। मैं सोची थी आज थोड़ा सा पेंडिंग काम है, निकलना है, हस्बैंड को बोले थे, लेकिन होगा नहीं, बहुत ही खतरनाक वाली हालत है यहाँ की। चलो पहले चाय वाय तो पीते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह हो क्या रहा है? हाँ सुबह सुबह ये हो रहा है। कार्टून कहाँ गया तुम्हारा? चला गया। अरे बाबले, अरे बाबले है, मैं का सुबह सुबह चालू हो गया ये है, सुबह सुबह ये चालू हो गया क्यों? पढ़ाई नहीं है, क्या खाओगे? सैंडविच, चिकन सैंडविच। क्यों चिकन सैंडविच? क्यों है, क्यों चिकन सैंडविच? अच्छा वाला खाना खाएगा, अच्छा वाला खाना खाएगा मेरा छन्ना। संडे का एंजॉय, संडे का एंजॉय, ये देखो संडे का एंजॉय है, संडे का एंजॉय, मेरा बच्चा का सैंडविच खाना है छन्ना। देखो तुम्हारा आज पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है, आज तुम्हारा छुट्टी है, आज तुम पूरा दिन एंजॉय करोगे विथ योर कार्टून, ठीक है? डन। घूमने भी जाओगे, घूमने भी जाओगे। रोड का हालत देखे हो कितना भीड़ है। शाम को, शाम को ठीक है, शाम को। फिलहाल अभी क्या करेंगे, सैंडविच बनाएंगे। चलो हम किचन में जाते हैं। बाय बाय, बाय बाय। मुझे छुया मेरा बच्चा, बाय बाय। चलिए चाय तो हम लोग पी लिए हैं, अभी मैं ब्रेकफास्ट का तैयारी करूं, फटाफट वाली ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। एक्चुअली कल रात का कुछ चिकन बच गया था, उसी से ना आज सैंडविच बना दूंगी, क्योंकि फिर चिकन आज कोई खाएगा नहीं, क्योंकि कल ही रात को चिकन बना था घर में और कल उतना चाव से कोई खाया भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा खाया था, तो बस बच गया था तो मैंने फ्रिज में उठा दिया था कि चलो बच गया है, अब यही वाली चिकन से कल कुछ बना दूंगी। तो सबका मन था सैंडविच खाने का, स्पेशली मयंक का, तो मैंने सोचा कि चलो आज संडे है और अभी तो समर वेकेशन भी चल रहा है, स्कूल जाने की उतना
तलब नहीं है तो चलो अभी सैंडविच बना देते हैं। और मैं कि यहाँ पे आ गया है पता है क्यों? ठंडा पानी देने। मुझे पूछ रहा था ना कि मम्मा आपको गर्मी लग रहा है ना, तो चलो मैं ठंडा पानी दे देता हूँ। और इसलिए ना मुझे प्यार आ गया उससे, उसमें कि बच्चा कितना मेरा ख्याल रखता है। मैंने उसको थोड़ा सा प्यार किया, थोड़ा पैम्पर किया, थैंक यू बोले। और ये जो बेटा मेरे लिए सोच रहा है ना कि मम्मी आपको गर्मी लग रही है, तो बहुत मैं भावुक हो गई थी। मैं बिना उसको प्यार किए नहीं रह पाई कि बच्चा, इतना छोटा बच्चा मेरे लिए इतना सोच रहा है। एनीवेज चलो यहाँ पे मैं ना कटिंग चॉपिंग स्टार्ट की हूँ। रफली प्याज को चॉप करूँगी और एक कैप्सिकम पड़ा हुआ था फ्रिज में, मैंने सोचा कि ये शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, टेस्टी भी लगेगा। तो बस शिमला मिर्च जो है ना, मेरे घर में शिमला मिर्च सब बहुत पसंद करते हैं, यहाँ तक कि मयंक को भी बहुत पसंद है शिमला मिर्च। पता नहीं क्यों आलू शिमला मिर्च का सब्जी कभी कभी बनाती हूँ तो उसको लंच बॉक्स के लिए वो बहुत पसंद करता है, और घर में सब तो पसंद करता ही है, मैं भी करती हूँ। फिलहाल कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे कढ़ाई में डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। अच्छा सरसों का तेल से बनाऊंगी, हाँ क्योंकि मैं ना हर एक खाना सरसों का तेल से बनाती हूँ, उसका फ्लेवर हम लोगों को सबको बहुत पसंद आता है। मैं अपने पसंद का खाना नहीं बनाती हूँ क्योंकि घर में जो सबको पसंद है वही मुझे भी पसंद होती ही है। तो बस यहाँ पे मैंने जीरा ऐड किया मस्टर्ड ऑयल में, और जो प्याज और कैप्सिकम कट करके रखी थी ना, तो बस मैं प्याज इसमें ऐड कर दूंगी। और प्याज को ना तब तक भूनना है जब तक इसका एक दूसरे से ना प्याज खुल नहीं जाए, तब तक आप इसको ना भूनिए, बहुत अच्छा से भूनिए ताकि प्याज जो है वो एक दूसरे से खुल जाए तो खिला खिला और थोड़ी सी कलर भी चेंज हो जाती है। उसी स्टेज तक आपको भूनना है। थोड़ी सी लीड लगा दिया मैंने 10-1 मिनट के लिए, तो देखिए प्याज एक दूसरे से खुल भी गया है, थोड़ी सी इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस इसी स्टेज तक हमको भूनना था। इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, जो ब्लैक डार्क वाली सोया सॉस होती है ना वो ऐड ऑन कर रही हूँ इसमें। और ये ऐड करने से ना कलर टेस्ट सब चेंजेस हो जाती है, मतलब गेम चेंजर बोल सकते हैं आप, एक चाइनीज लुक और फ्लेवर आ जाती है। इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, कैप्सिकम ऐड जरूर से कीजिएगा, थोड़ी सी ना वो जो चाइनीज वाली फ्लेवर आती है ना, तो देसी चिकन को चाइनीज वाली फ्लेवर लाने के लिए ये सब ट्रिक लगानी पड़ती है क्योंकि बच्चों को यही सब चीजें पसंद होती है। और बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया, नमक ऐड करने से क्या होता है प्याज का कुकिंग रुक जाती है और कैप्सिकम भी जल्दी गल जाते हैं। और जो कल वाली चिकन बचा हुआ था उसको मैंने ऐड ऑन किया, और इसको थोड़ी सी ना फोड़ना है आपको, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में आपको इसको रेडी करना है, एक भरता टाइप का बना लेना है चिकन का, क्योंकि वो पूरा साबुत चिकन रहेगा ना, मतलब पीसेस रहेगा ना, मतलब तो वो वाला ना सैंडविच में फिट नहीं आएगा। तो एक हड्डी था तो उसको मैंने निकाल के हटा दिया, अलग कर दिए। और चलिए यहाँ पे ना ये जो सैंडविच का बेस है ऑलमोस्ट रेडी हो गया, इसको साइड कर रही हूँ। इसीलिए साइड कर रही हूँ क्योंकि इसमें डाल रही हूँ फिर से मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मैं एक चिकन सैंडविच बना रही हूँ तो बस एक जो है उसको मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर रही हूँ, यहीं पे ऐड कर दूंगी, दो दो एक को यहीं पे ऐड कर दूंगी। और बस थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ऐड किया मैंने, और बस इसको थोड़ी सी स्क्रम्बल एग जो होती है ना वो बना रही हूँ यहाँ पे, ताकि चिकन के साथ स्क्रम्बल एग मिक्सअप हो जाए और सैंडविच में बहुत अच्छा फ्लेवर लाए। ये स्क्रम्बल एग आप बना के देखिएगा इस तरह से, तो आपका जो अलग से बर्तन यूज़ करने पड़ते हैं वो नहीं करना पड़ेगा, तो एक ही साथ बन जाएगा। और बहुत ही इजीली झटपट वाली सैंडविच का जो स्टफिंग होती है वो बन के हम लोगों का रेडी हो चुका है। तो चलिए ये सैंडविच का जो स्टफिंग है ये ऑलमोस्ट डन हो गया। इसमें थोड़ी सी टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ, इसलिए ऐड कर रही हूँ ना क्योंकि बच्चों को टमाटो केचप बहुत पसंद होती है, इसका फ्लेवर बहुत पसंद आता है, तो बस बच्चों को क्यों मुझे भी पसंद आता है, तो बस मयंक के लिए मैंने ये यहाँ पे डाला, सबको बहुत पसंद आया था। तो बस थोड़ी सी केचप ऐड करके इसको अच्छे से पका लेंगे। बस ये डन हो चुका है, अब ये स्टफिंग में कुछ करना नहीं है, अब इसको लिड लगा के छोड़ना है। चलिए फटाफट सैंडविच बना लेते हैं। मैं ना यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, मतलब इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा सा सैंडविच का पीसेस आ जाती है, मतलब ब्रेड का पीसेस। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं स्टफिंग भर रही हूँ क्योंकि सैंडविच बनानी है और बहुत लेट हो रहा है, एक्चुअली 9 o'clock हो चुका है और किसी को ब्रेकफास्ट मैंने नहीं दिया अभी तक, तो फिलहाल इसीलिए जल्दी जल्दी बन जाती है, जो झटपट वाली ब्रेकफास्ट होती है ना वही मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे स्टफिंग चलिए हो चुका है रेडी, एक एक सैंडविच में रेडी
रेडी कर दे रही हूँ यहाँ पे, और फिर बस 3 सैंडविच रेडी हो गया और 3 मैं यहाँ पे रेडी कर लूँगी। तो ये ना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, ये प्रोसेस थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, और इसके बाद सीधा सैंडविच मेकर में जाएगा और बस सैंडविच बनके तैयार हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना फटाफट बनाने वाली, अगर मैं प्लेट का इस्तेमाल करती तो थोड़ा सा लेट होता, एक बनाई फिर डाली, तो ये फटाफट एक साथ 6 पीसेस का सैंडविचेस रेडी कर लो और फटाफट से डालो सैंडविच मेकर में, तो वो आपका सैंडविच बनके तैयार हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। तो चलिए यहाँ पे मैं, मेरा सैंडविच सारे ही बनके रेडी हो गया है, स्टफिंग भी कितना जल्दी बन गया, तो सारे सब चीज़ हो चुका है। अब फिलहाल सैंडविच मेकर में गर्म करने के लिए, मतलब थोड़ी सी हॉट हो जाएगा ना तो गर्म हो जाएगा, तो सैंडविच मेकर में ना थोड़ी सी आसानी हो जाती है काम करना। ऐसे ठंडे में डालोगे ना तो चिपक जाती है सैंडविचेस, और इसीलिए मैंने इसको थोड़ी सी ना गर्म होने के लिए रखा है। मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ये जो रेड लाइट है ना, ये थोड़ी सी गर्म कर देती है सैंडविच मेकर को। तो फिलहाल 5-1 मिनट हो चुका है और अब मैं इसमें ऑयल ब्रश कर रही हूं। अच्छा, बाय द वे, यहां पे आप मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल मत कीजिएगा, घी, बटर या फिर रेगुलर वाली व्हाइट ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप सरसों का तेल का इस्तेमाल करेंगे ना तो सैंडविच में अच्छा स्मेल नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बटर का इस्तेमाल किया, मेल्टेड बटर का। और बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिएगा और उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, सैंडविच में बहुत अच्छा स्वाद आ जाती है। तो ये ना मैंने ऑफ कर दिया, मतलब बंद कर दिया, वो ग्रीन लाइट जब तक जल जाएगा तो मतलब आपका सैंडविच हो जाएगा रेडी। तो यही इसका फंडा है। अच्छा, किसी ने मुझे इसके बारे में पूछ रहे थे आप, तो आप लोग ही पूछ रहे थे, तो ये ना मैं स्टोर से ली हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं मंगाई हूँ, स्टोर से मैंने ले लिया है क्योंकि मुझे ये बहुत ज़रूरत था उस टाइम पर, और ऑनलाइन 3 से 4 दिन डिलीवरी दिखा रहा था, तो इसीलिए हस्बैंड बोले कि नहीं आज ही के आज ही लेना है, तो चलो स्टोर से ले लेते हैं। तो हम लोग गए और स्टोर से मैंने ले लिया, उसका मैं शूट नहीं की, बहुत पहले ली थी, ये कम से कम 1-1.5 साल तो हो ही गया होगा, तो शायद नए लोग हैं जुड़ते जा रहे हैं तो वही लोग मुझे पूछे हैं। तो बस यहाँ पे ऑयल ब्रश करके एक लॉट तो हो चुका है, ये सेकंड लॉट मैं डाल रही हूँ इसमें, तो जितना जल्दी हो जाए, और ये बहुत गर्म हो चुका है तो आप देख ही रहे हो। तो फिलहाल फटाफट से यहाँ पे सैंडविच कट भी कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे सबको हाथों हाथ ब्रेकफास्ट दे देना है, क्योंकि यहाँ पे ना उतना जगह नहीं होता है, छोटा सा किचन है, एक ही स्लैब काउंटर टॉप एक ही है, तो बस इसीलिए ना मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मतलब एक एक लॉट बनते जा रहा है ब्रेकफास्ट, एक एक मैं देती जा रही हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने कट करके रखा है एक ब्रेकफास्ट, यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक सैंडविच, और सैंडविच मेकर में ऑलरेडी सैंडविचेस है जो बन रहे हैं। तो बस इसी तरह से ना मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करती हूँ। आप लोग पूछते रहते हो ना इतना पे आप मैनेज कैसे करते हो, तो लाइक दिस मैं मैनेज करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सैंडविच मेकर में ऑलरेडी हो गया है और यहाँ पे सैंडविचेस मेरी रेडी है, ऑयल भी रेडी है, इसको ब्रश करूंगी फटाफट से, और ब्रश करने के बाद में यहाँ पे मैं जो सैंडविचेस बना बनाया है वो मैं डाल दूंगी, ये होते रहेगा, तब तक मैं एक ब्रेकफास्ट कप ट्रे सर्व कर दूंगी जिसको भूख लगा है। सबसे पहले तो मैं इनको ही भूख लगा है, खड़ा है, तो ये मैं का ब्रेकफास्ट है, तो चलिए, नहीं ये मेरा ब्रेकफास्ट है सबसे लास्ट में, ओहो मैं लाइट्स ऑफ करना भूल गई, सबको मैं ब्रेकफास्ट करा चुकी हूँ, एंड दिस इज माय ब्रेकफास्ट। चलिए ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिए हम लोगों ने, और मेरी हालत पे अब जब ब्रेकफास्ट बनाते बनाते हालत मेरी एकदम खराब हो गई, अभी चाय बना रही हूँ सबके लिए, मैं दिखाऊं डिजास्टर, ये देखो किचन का डिजास्टर हो चुका है, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, हस्बैंड आज घर पे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो मैं फिलहाल वो दोस्तों से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे चाय वाय बनाऊ, इतनी तेज गर्मी लग रही है ना क्या ही बता, मेरा मुंह का हालत एकदम बिगड़ चुका है, अपना खेल रहे और मेरा हालत देख रही, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, बाप रे बाप, लेकिन गर्मी में भी चाय पीना कोई बंद नहीं करेगा, मैं भी नहीं। फिलहाल ये सब करके ना मैं ये किचन साफ करूंगी पहले, और उसके बाद बाकी का काम करूंगी, क्योंकि संडे सुबह ना हर चीज लेट लतीफ होता है, हस्बैंड भी घर पे है, आज कोई अफरा तफरी नहीं, खाना बनाने का टेंशन नहीं, तो ये होता है, देखो मैं कितना जोर जोर चिल्ला रहा है, अपना नानी के संग खेल रहा है। चलो फिलहाल दोनों बैठ के थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं, और उसके बाद मैं किचन में आऊंगी क्लीन करने के लिए।
गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा। पहले बोलिए ब्रेकफास्ट कैसे लगा, मनपसंद ब्रेकफास्ट मिला कि नहीं? आज हस्बैंड का फरमाइश में बना था ब्रेकफास्ट। संडे का मजा लुटा जा रहा है। हाँ? 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 संडे का मजा उठाया जा रहा है। क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? बॉल खेल रहे हैं। बॉल खेल रहे हैं। पढ़ाई नहीं करोगे? चलो चलो आज, चलो आज तो चलो 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 चलो, चलो आज पढ़ाई करना है। आज नहीं, छुट्टी है। मैं ले लिया है छुट्टी और पूरा सुबह में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप पूरा 2 बजे तक उसका तो यही चलेगा, अफरा तफरी यही चलेगा। चलो चाय मेरी बन चुकी है, थोड़ा सा चाय पीते हैं। और चाय पीने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन में और इतना ज़्यादा डिज़ास्टर होके है और इसको मुझे क्लीन करना है, उसके बाद लंच भी मुझे बनानी है। सबसे पहले तो मैं सैंडविच मेकर क्लीन कर रही हूँ क्योंकि इसको ठंडा करके क्लीन करके हटा दूँगी, जगह मेरा खाली हो जाएगा और उसके बाद दोबारा से मैं मतलब साफ़ सफाई का काम मैं स्टार्ट करूँगी कि और एक डिज़ास्टर हो गया कि डिश वॉशर आज सुबह से नहीं चल रही है। मतलब एक दो दिन से अटक रहा था लेकिन आज नहीं चल रहा है, तो पता नहीं क्या हुआ। 2 दिन पहले मैं कंप्लेन डाली थी, फिर कंप्लेन वापस लेना पड़ा क्योंकि डिश वॉशर चलने लगा। आज नहीं चल रही सुबह से, तो मैं यहाँ पे हाथों पे बर्तन धो रही हूँ क्योंकि फिर डिश वॉशर के लिए कंप्लेन डालो तो 2-3 दिन लगा ही देता है वो लोग। तो अच्छा है कि चलो नहीं चलेगा तो कंप्लेन डाल दूंगी, फटाफट से हाथ से बर्तन धो लेती हूँ ताकि मेरा किचन का जो काउंटर टॉप है, किचन का जो साइड है, वो पूरा क्लीन, नीट एंड क्लीन रहे। लंच बनाने में मुझे ना थोड़ी सी आसानी हो जाती है और इसीलिए ना मैं यहाँ पे जितना जल्दी हो सके बर्तन वॉश कर रही हूँ। बाय द वे, ये आपको लग रहा है कितना जल्दी, मतलब 5-10 मिनट के अंदर ये सारे बर्तन क्लियर हो गए। मैं खुद ही देख रही हूँ, खुद ही लग रहा है काश मेरे हाथ इतना जल्दी जल्दी चलते, लेकिन मेरा हाथ तो इतना जल्दी चलता नहीं है। कम से कम 1.5-2 घंटा लग ही जाता है इतना सारा बर्तन साफ करना, किचन साफ करना वो तो हो ही जाता है, लेकिन मुझे कभी कभी फास्ट फॉरवर्ड देख के लगता है ना कि काश भगवान मेरे हाथ में इतना जोर दिया होता कि ये फटाफट से मैं मतलब काम कर सकती, इतना फटाफट से, इतना आसानी से भी। तो चलिए, सारे बर्तन तो धुल गए हैं, मतलब मांझ ली हूँ मैं, सारे बर्तन धुल के छोड़ूंगी साइड में और उसके बाद ही मैं बाकी का काम करूंगी, मतलब किचन काउंटर टॉप क्लीन करना वगैरह वगैरह। और हाथ में ना बर्तन धोने में सच में बहुत तकलीफ होता है क्योंकि बहुत दिन का आदत हो चुका है ना कि डिश वॉशर में बर्तन धोऊंगी, तो सारे बर्तन धो ही लिए मैं अल्टीमेटली और उसके बाद मैं सारे रख दूंगी बास्केट में और किचन को एक बार ना सिंक को लास्ट बर्तन, एज ए लास्ट बर्तन मैं सिंक को भी साफ कर देती हूँ और साइड का वॉल में भी, ताकि पानी का जितना छींटा है ना सारे के सारे इसमें नहीं आया। और कल में भी एक ब्रश कर देती हूँ थोड़ा सा, मतलब कल भी साफ कर देती हूँ ताकि एकदम ना जब किचन में आऊँ किचन एकदम साफ सफाई चकाचक दिखे। तो बस ये अपने ऊपर में है आप कितना ज्यादा साफ सफाई कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, काउंटर टॉप भी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, एक मतलब वाइप कर दूंगी थोड़ा सा। और जो सामान फ्रिज में जाने का था जैसे केचप वगैरह, तो वो सारे फ्रिज में डाल दी हूँ और यहाँ पे ना कुछ बर्तन फिर से रह गया, उसको मैं क्लीन किया और इसके बाद काउंटर टॉप क्लीन कर दूंगी। तो बस इतना ही था सुबह का काम मेरा। आज का ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज़ फॉर्मा कुर्मी व्लॉग। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताने प्लीज़ मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल में नए हैं, आप पहली बार मुझे देख रहे हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय व्लॉग प्लीज, और ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन प्रेस करने बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, मेरा किचन हो गया क्लीन, आज के लिए मैं विदा लेती हूँ, कल मिलूंगी एक फ्रेश ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलती हूँ मैं आप लोगों से।